नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हरियाणा के यमुनानगर में कोहरे का तांडव, जिंदगी जीना हुआ दुभर, घर में छुपने को लोग हुए मजबूर। जैसे जैसे जनवरी का महीना खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज हरियाणा का जिला यमुनानगर और सिटी जगाधरी समेत हरियाणा के कई जिलों में ठंड और कोहरा सबसे ज्यादा देखने को मिला। जिला यमुनानगर और जगाधरी में तो इस कदर कोहरे देखने को मिला कि 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडवी ने हरियाणा की जनता से अपील की है कि खाते पीने का ख्याल रखें, सुबह गर्म पानी पिए, अगर जरूरी काम हो तो तभी घर से बाहर निकलें और गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें। न्यूज नाइन भारत से संवाददाता सतीश कुमार की खास रिपोर्ट। जिला यमुनानगर की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हो कितना घना कोहरा है यहाँ पर भी। जिला यमुनानगर की तस्वीर, आज सुबह से ही हरियाणा के सिटी जगाधरी में जबरदस्त कोहरा व ठंड पड़ा हुआ है। आज का जो तापमान है हरियाणा सिटी जगाधरी का, वो 8 डिग्री माइनस तापमान डिग्री सामान्य नीचे चला गया है। देख सकते हो कितना कोहरा पड़ा हुआ है। दस मीटर की दूरी से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है सामने का नज़ारा। जगाधरी की दूसरी तस्वीर देख सकते हो कितना घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि इस वर्ष जनवरी के महीने में जो वर्षा होती है, वर्षा न होने के कारण हरियाणा के सभी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है जनता को। अभी कुछ दिन और ठंड और कोहरे से जूझना पड़ सकता है जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा के सभी निवासियों को। देख सकते हो कितना कोहरा है सुबह का समय हरियाणा का सिटी जगाधरी। रिपोर्टर सतीश कुमार, जगाधरी जिला यमुनानगर प्रदेश हरियाणा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।